सो गाइज़, ये है हमारे पास आईओ पोर्ट RJ45 का कनेक्टर इसमें लगता है, ठीक है। और अभी हम इसको यहाँ पे पंच करने लगे हैं। ये पंच होगा, मतलब पिंच कास यूज़ करके हम इसको ओपन करेंगे। और जो ए वाली सीरीज़ है, ए मतलब ये अगर हाफ कटा हुआ है तो इसका मतलब है ग्रीन वाइट, अगर फुल ब्लॉक है तो इसका मतलब है ग्रीन, फिर ऑरेंज वाइट, फिर फुल ब्लॉक ब्लू पे है तो ये ब्लू। हम ए वाली सीरीज़ यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे भी केबलिंग होगी, ठीक है। और ये लूज़ करके पेंचों को, और इधर से हम केबल को इंसर्ट करेंगे वन बाय वन, और इसको यहाँ पे पंच कर देंगे। और फिर फाइनली हम इसको RJ45 की वायर लगा के इसको हम टेस्ट भी कर लेंगे। अब ऐसा है कि हमने ग्रीन वाइट केबल आपके सामने डाल दी, इसी तरह आपने ग्रीन को इंसर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैंने वायर को फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह बड़े आराम से अंदर डाल दिया। और अब हमने इसको इस जगह पे हाथ रख के और यहाँ से इस नट को टाइट करना है। सो आपको सबसे पहले ही मैंने बताया था कि हम यूज़ करेंगे ए वाली सीरीज़, ठीक है। ये ए वाली कलर कोडिंग होगी और ये सारी ए वाली चलेगी। सो अभी मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो मैं जल्दी जल्दी इनको टाइट करता हूँ और फिर आपको टेस्ट कराते हैं PC पे कि क्या हमारी केबल काम कर रही है या नहीं। अब ये कलर कोडिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है। दोनों साइड पे हमने वायर्स जो हैं लगा दी हैं। अभी हम केबल लगाएंगे कंप्यूटर के साथ और टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा नेटवर्क चल रहा है या नहीं चल रहा, ये जो हमने कलर कोडिंग की है ये सही हो रही है, सही हुई है या नहीं हुई। इसका जो फाइनल है, फिर इसके आगे ये इसी तरह पंच करके फिर इसके बाद ये इसके आगे लग जाएगा और ये फिर यहाँ बोर्ड में लग जाएगा। सो करते हैं इसको और टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि जो वायर है अभी टेस्टिंग के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ वो सिस्टम के साथ लगी हुई है। इधर करीब करो जी, ये हमने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। अभी ये हमारे पास ये वायर काम कर रही है, नेटवर्क कनेक्टेड है। और अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ खोलते हैं जीमेल, तो जीमेल हमारे पास यहाँ पे ओपन होगा। तो ये जो हमारी नेटवर्किंग की वायर हमने थ्रू आईओ पोर्ट की है, ठीक है, इसकी सेटिंग्स बना के, इसकी कलर कोडिंग बना के इसमें इंस्टॉल की है, ये वर्क कर रही है। आप भी बनाना चाहें मेरी वीडियोस को देखें, ठीक है, और जिस स्कीम पे मैंने सेट की है वैसे ही आप कलर कोडिंग सेट करें और आप इस तरह आईओ पोर्ट को इंस्टॉल कर लेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो को आपको मज़ा आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए एक मज़ेदार सी एक नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।